हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? सभी लोग अच्छे रहेंगे, आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और रहेंगे भी। और हम लोग एक्सरसाइज 5 है ना, कंपैरिजन ऑफ नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, और स्मॉलेस्ट डिजिट और ग्रेटेस्ट डिजिट के बारे में हम लोग एक्सरसाइज में पढ़ा था। तो हम लोग जो है आपका कंपैरिजन ऑफ नंबर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर और राइट द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग 3 डिजिट्स डिफरेंट यूजिंग बाय जो भी हो आपका 6 से 5 है क्वेश्चंस तक मैंने आप लोग को इसके प्रीवियस वीडियोज में आपको बता चुका हूँ। और नेक्स्ट जो है हम लोग को पढ़ना है जी डिजिट्स के बारे में, स्मॉलेस्ट डिजिट, ग्रेटेस्ट डिजिट, 4 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स, इसके बारे में पढ़ना है। तो पार्ट 2 एक्सरसाइज 5 पार्ट 2। तो आपका जो क्वेश्चन है 6 नंबर, आप बुक आप अपने पास रखेंगे और देखिए कि राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट ओनली वंस। ने क्या करना है कि आपको 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर राइट करना है। और इसमें आपको क्वेश्चंस क्या है दिए हुए हैं और ये डिजिट आपका दिए हुए हैं और इन डिजिट से आपको क्या करना है, आपको क्या करने हैं कि 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आपको बनानी है, राइट करनी है। बट इसमें कंडीशंस भी है। क्या कंडीशन है कि आपको डिजिट का जो यूज कर रहा है ओनली वंस टाइम ही करना है, किसी को रिपीट नहीं करना है, ठीक है। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनने के क्या है, कैसे राइट करना होगा, किस प्रकार हम लोग राइट करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, सबसे आपका 1, यहाँ पर यदि 0 से स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, ये तो आपका जो है वह नहीं हो पाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि वो तो स्टार्ट है ही नहीं। आपका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1 ही है। तो 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो 1036 है ना, ये हो गया आपका क्या स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का। क्या हो गया 4 डिजिट का, क्या हो गया स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और 4 डिजिट का जब स्मॉलेस्ट नंबर हो गए तो ये आपका आंसर हो गया। उसी प्रकार से कोई भी डिजिट हो, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर 0 1 3 4 5 6 न करके 8 0 8 5 0 7 हो, है ना, 0 7 हो। तो अब हमें क्या करना है कि इसमें से जो स्मॉलेस्ट जो डिजिट है ना, उसे हम लोग पहले चूज करें। तो कौन सा होगा, 8 होगा, 5 होगा, 0 होगा, 7 होगा, कौन सा होगा, 5 होगा। उसके बाद क्या होगा, 0, फिर उसके बाद 7 और 8, ये हो गया आपका स्मॉलेस्ट नंबर, है ना। ये 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हमने क्या किया कि सभी डिजिट्स का एक ही बार ओनली वंस टाइम यूज किया, इसे रिपीट नहीं किया। अगर रिपीट करते तो क्या होता, आपका आंसर गलत हो जाता। उसी प्रकार आपका 7 नंबर क्वेश्चन से हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन सेम ही है, तो 7 क्वेश्चंस, तो 6 में 3 क्वेश्चंस है आपका बी सी, आपका जो है वो बना लेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट यूज फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 3 1 0 5 एंड 7 ईच ओनली वंस, में प्रत्येक का एक ही बार क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हम लोग अब 8 नंबर क्वेश्चंस में चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग 8 नंबर क्वेश्चंस में चलेंगे। तो 8 नंबर में क्या है आपका, राइट द स्मॉलेस्ट
थ्री डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट टू एंड सेवन रिपीटिंग सेवन टू टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में आपको राइट कर दे रहा हूं, राइट द थ्री डिजिट नंबर्स यूजिंग डिजिट्स यूजिंग डिजिट टू एंड सेवन रिपीटिंग सेवन टू टाइम्स रिपीटिंग सेवन टू टाइम्स। यानी क्या कर रहा है कि आपको थ्री डिजिट का नंबर लिखना है और क्या करना है कि आपको टू एंड सेवन ये जो डिजिट्स है इनका यूज करना है, बट इसमें भी कंडीशन है कि सेवन को टू टाइम्स में क्या करना है, यानी कि सेवन को दो बार राइट करनी है। क्या कितने बार कर करनी है, दो बार राइट करनी है। तो सबसे हम ऊपर राइट थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट है ना, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट राइट करनी है। तो क्या करना है, तो टू स्मॉलेस्ट डिजिट ही है, फिर सेवन और टू टाइम्स सेवन को रिपीट करना है, तो सेवन यही हो गया आपका आंसर। और इसे क्या करना है, वन ही टाइम यूज करना है। इसका क्या करना है हमें, रिपीट नहीं, रिपीट करने के लिए क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है, तो उसे यूज करना है। इसी प्रकार का आपका बी है, सी है एंड डी है ना। तो बी सी डी जो है आप जो है इसे इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में जानेंगे। तो अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर नाइन में है ना, अब हम लोग को स्मॉलेस्ट नंबर खत्म हो चुका है, अब हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट नंबर के बारे में सीखेंगे, ग्रेटेस्ट नंबर को किस प्रकार से बनाएंगे। थ्री डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिख रहा है और यूजिंग बाई डिजिट ओनली वंस टाइम ईच है ना। तो सभी को क्या करना है, एक ही बार यूज करना है और उसे क्या करना है, दोबारा यूज नहीं करना है उन डिजिट्स को। तो जो नंबर है आपका, जो डिजिट्स है वो क्वेश्चन नंबर नाइन देख रहे हैं आप लोग, उसमें आपका दिया हुआ है, आप उसे देख लेंगे। तो ये में है थ्री कॉमा फोर एंड नाइन है ना, एंड क्या है, नाइन है आपका। तो सबसे देखेंगे कि इसमें जो ग्रेटेस्ट डिजिट है वो कौन सा है, नाइन है। अब नाइन से जो स्मॉलेस्ट डिजिट है कौन सा है, फोर है। अब इससे जो स्मॉलेस्ट डिजिट है कौन सा है, थ्री है। ये हो गया आपका क्या, ठीक है, 943। तो हमें जैसे स्मॉलेस्ट नंबर बनानी थी, राइट करनी थी, तो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसे राइट करना होगा, फिर उससे जो ग्रेटेस्ट होगा उसे राइट करना होगा, फिर उससे जो ग्रेटेस्ट होगा उसे राइट करना होगा। उसी प्रकार से जो है स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर हो तो सबसे पहले जो बड़ा होगा, जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगा उसे राइट करेंगे, फिर इससे जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उसे राइट करेंगे, फिर इससे जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा उसे राइट करेंगे। यानी आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग और जिस प्रकार बनाते हैं वही इसमें भी क्या है, कंडीशन से, बट आपको थोड़ा सा केयरफुली होकर के बनाना होगा है ना। तो जैसे आप नाइन नंबर क्वेश्चन को मान लीजिए, सपोज कि यहां पर ये डिजिट्स ना होकर, डिजिट्स क्या हो ना होकर यहां पर एट सेवन एंड सिक्स हो, एट सेवन क्या हो, सिक्स हो, तो वो सॉरी एट सॉरी सिक्स एट सेवन हो तो क्या करेंगे, तो सबसे जो ग्रेटेस्ट डिजिट होगा कौन है, एट है, उसे राइट करेंगे, फिर कौन सा है, सेवन है, फिर क्या है, सिक्स है, आपको राइट करना है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहां पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन से नंबर टेन, उसमें फोर डिजिट का है, क्या है, फोर डिजिट का, थ्री डिजिट ना होकर के क्या है यहां पे, फोर डिजिट का है। तो फोर डिजिट में मैं कोई भी डिजिट ले लेता हूं आपको बुक के माध्यम से नहीं,
3, 6, 8, 3, 8, 5 and 6. तो क्या करना है आपको, इसमें से सबसे जो ग्रेटेस्ट डिजिट है उसको चूज करना है। तो क्या करना है, 8 होगा, उसके बाद क्या होगा 6 होगा, उसके बाद क्या होगा 5 होगा, उसके बाद क्या होगा 3 होगा। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, बन गए, आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, बना लेना है। अभी इसमें 11th नंबर क्वेश्चन में है ना, आपको जो स्मॉलेस्ट था उसी प्रकार से इसके भी करना है। बट क्या करना है, इसमें 3 digits नंबर ऐड करनी है और क्या करनी है, 3 digit नंबर 3 digit नंबर यूजिंग बाय यूजिंग डिजिट्स, क्या है आपका 8 and 4, रिपीटिंग 4 2 times। यानी क्या करना है आपको कि आपको 3 digit का ग्रेटेस्ट नंबर राइट करना है और उसमें कंडीशन है आपको कि 4 को जो है उसको क्या करना है, 2 times राइट करना है, तो 2 times राइट करना है। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा इसका, तो ग्रेटेस्ट डिजिट 4, 8, फिर 4 and 4, 2 times आपका जो हो गया वो आंसर हो गया। उसी प्रकार से आपका 11 का बी एंड सी है और आपका 12 भी जो है उसे क्या करना है, 1 ही time में यूज करना है, किसी को रिपीट नहीं करना है। सेम आपका जो 9th, 10th क्वेश्चन है उसी प्रकार से आपका बन जाएगा। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोग जो है वह एक्सरसाइज 5 का और क्वेश्चन जो रिमेन है आपका लेफ्ट बचे हुए हैं उन्हें आप कंप्लीट कर लेंगे और अपने नोटबुक में उसे नोट कर लेंगे। तो लेसन 5 एक्सरसाइज 5 जो हो गया वह आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग एक्सरसाइज लेसन 4 में चलेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे। क्वेश्चंस बैग नंबर 2 दिया हुआ है, तो वो जब बुक आपका होगा स्कूल ओपन होगी तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग लेसन 4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में नेक्स्ट क्लासेस पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोगों को मेरा बहुत सारा प्यार, थैंक्स।